classes we have learned about various types of measurements like length, mass and capacity. So today we will learn about one more measurement that is known as temperature. अब हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं, सेंटीग्रेड जिसे हम सेल्सियस भी बोलते हैं एंड वन मोर इज फॉरेनहाइट थर्मोमीटर। तो अब टेम्परेचर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम देखते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ छाया में खड़े हैं तो यहाँ पे हमें इतना हॉटनेस का फीलिंग नहीं होगी, लेकिन अगर हम सनलाइट में खड़े होंगे तो हमें थोड़ी ही देर में हॉटनेस फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ठंडियों में यानी कि विंटर में यूजुअली मैक्सिमम टाइम्स वूलन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म, क्योंकि हमें वो पहले से ठंड कम लगती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी गर्मी लगेगी एंड टेम्परेचर जितना कम होगा हमें उतनी ही ठंड लगेगी। और हम विंटर में तो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं एंड समर में वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्फ कूल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी। अब हमने देखा है कि जो थर्मामीटर है सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट ये हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ ह्यूमन बॉडी सफरिंग फ्रॉम फीवर हैज बॉडी टेम्परेचर अबाउट 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। किसी भी ह्यूमन बॉडी का अगर टेम्परेचर 98.6 डिग्री से ज़्यादा है दैट मीन्स वो उस ह्यूमन की बॉडी जो है वो फीवर को सफर कर रही है, मतलब उन्हें फीवर है। अब हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो दोनों थर्मोमीटर है सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट, जो सेंटीग्रेड स्केल है ये जीरो से स्टार्ट होता है एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जीरो डिग्री पर ये जो वाटर है हमारा फ्रीज हो जाता है, यानी ये मैक्सिमम कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बहुत लो होता है और उसमें उतनी ही कोल्डनेस हो जाती है, दैट्स व्हाई हमारा वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। देन ये बढ़ता है अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। इतना हाई पर जो वाटर है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। देन फॉरेनहाइट ये स्टार्ट होता है 32 डिग्री एफ से, देन एंड्स एट 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ये भी 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर वाटर इसका फ्रीज हो जाता है एंड 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर वाटर बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं। इसी से रिलेटेड होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम ह्यूमन बॉडी का मेजर करते हैं, जो मैक्सिमम टाइम्स डॉक्टर्स यूज करते हैं और कभी कभी घर पर भी यूज किया जाता है। तो फर्स्ट वन हमने देखा कि अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री से ज्यादा एफ से ज्यादा हुआ दैट मीन्स वो बॉडी फीवर से सफर करेगी। देन अब ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव टेम्परेचर बिलो 94 डिग्री फॉरेनहाइट और 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड क्या है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो इतने टेम्परेचर से कभी भी नीचे नहीं होता है, मैक्सिमम इतना तो होता ही है, सॉरी मिनिमम इतना तो होता ही है, इससे और कम नहीं होता है। एंड अबव 108 डिग्री फॉरेनहाइट और 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे अबव होता है, इससे अबव नहीं हो सकता, या तो इससे कम नहीं हो सकता है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर इससे कम ज्यादा हुआ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन ड्यूरिंग द डे टाइम द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर राइजेस बाय 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डे टाइम में जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर है वो 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होता है, बढ़ता है। हम देखते हैं मॉर्निंग के टाइम हमें बहुत ठंडा ठंडा फील होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो टेम्परेचर है वो कम होता है, लेकिन जिस तरह से सनराइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, जिससे कि हमें आफ्टरनून तक बहुत गर्मी यानी कि हॉटनेस फील होने लगती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जो भी चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में उस वजह से। और हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का टेम्परेचर
डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो उसकी जो भी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। हम ये भी देखते हैं जिसकी इंडिया है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सिटीज हैं, खास सबका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं होता है, वो उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है। हम अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसमें भी देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आपको डेली का मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दिया जाता है, डिग्री में सेंटीग्रेड में भी एंड डिग्री फॉरेनहाइट में। एंड हम देखते हैं जो भी ऐसी स्टेट्स हमारे देश के जो कि पहाड़ी इलाका जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, मतलब वहाँ पे आपको हमेशा सारे पूरे ईयर में आपको ठंड ही लगती है, वहाँ पे हमेशा ही जो हमारा क्लाइमेट है वो हमेशा बहुत ही कोल्ड रहता है। एंड कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ टेम्परेचर। एज वी नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, वन इज सेल्सियस एंड अदर वन इज फॉरेनहाइट स्केल। सो आज हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट बोथ दिस। सो फर्स्ट वन इज कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। हम जो भी टेम्परेचर है उसको सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 40 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन फॉरेनहाइट स्केल। तो कैसे करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें फॉरेनहाइट को कन्वर्ट करना है तो उसको हमने यहाँ ऐड लिखा, देन सी, सी मीन्स हमारा सेल्सियस का टेम्परेचर कितना है, कितना डिग्री है वो 40 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 इंटू 9 अपॉन 5, देन क्लोज द ब्रैकेट, प्लस 32। अब मैं इंटू में है 9 अपॉन 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं 40 को, तो 5 वन जब 5, 5 एट जब 40, तो यहाँ कितना रिमेनिंग रहा, 8 इंटू 9 प्लस 32, तो 8 9 जब 72 प्लस 32। अब हम इसको प्लस करेंगे तो 2 प्लस 2 4 एंड 7 प्लस 3 10, तो हम देख सकते हैं हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो 104 डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम देखा ये सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब हम इसी को लेते हैं 104 डिग्री फॉरेनहाइट। अभी हमने किया सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, अब हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। सो हमारा क्वेश्चन है 104 इन फॉरेनहाइट, अब हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, देन ब्रैकेट एफ मीन्स हमारा फॉरेनहाइट में कितने डिग्री है, तो ये है 104 डिग्री फॉरेनहाइट। तो हमने इसको लिख दिया 104 माइनस 32, ये हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब हम इसको माइनस करेंगे, 104 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 10 माइनस 3 7 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से 72 को, तो 9 वन जो 9 9 एट जो 72, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया 8 4 जो 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेम 40 डिग्री आ गया है 104। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से हम डिफरेंट मीन्स ऑफ टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट एंड फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। थैंक यू।